26,000 मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने देश के लिए अपने लोगों के लिए, देश के लोगों को अपना समझना और उनके लिए जान पर खेल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। गाइस दूसरा दिन है और दिन की बज रही है 12:30 बज रही है। अपन अब निकल रहे हैं दिल्ली भ्रमण के लिए, दिल्ली घूमने के लिए निकल रहे हैं। अपने को कुछ शॉपिंग भी करनी और कुछ काम भी है तो निकलते हैं। चलो अब यहाँ से मेट्रो में सफ़र करते हैं और मेट्रो से आपको लेकर चलते हैं, तो बने रहो। अपन अभी बालाजी के जस्ट सामने हैं, बालाजी के बजरंग बली। रात को कितने ज़बरदस्त लग रहे थे और अभी देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार। जय जय श्री राम। चलिए अब निकलते हैं सीधा मेट्रो से चांदनी चौक। ये देखिए दोस्तों झंडे वाला मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से अपन ट्रेन पकड़ेंगे मेट्रो, झंडे वाला मेट्रो स्टेशन देख लीजिए। ये देखो दोस्तों मेट्रोज में कैसी भीड़ और कैसी टेक्नोलॉजी है। देखिए आप ऑटोमेटिकली गेट बंद और वापस ट्रेन 2 सेकंड के लिए रुकती है, मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, लोग उतरना उतर लो और लोग रवाना हो जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त और कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई। और लिटरली बता रहा हूँ मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तक अगर ऑटो में आता तो 200 रुपये लगते और मेट्रोज में 30 रुपये में आ गया मैं। ज़बरदस्त मामला है भाई, मेट्रोज बहुत ज़्यादा अच्छी है और फुल एसी है। देखें क्या स्पीड है तगड़ी। ये देखिए गाइस मेट्रो स्टेशन कितना ज़बरदस्त है, जैसे किसी का एयरपोर्ट हो ना, अपना उदयपुर का जैसा एयरपोर्ट है ना वैसा यहाँ का मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक का। देख लीजिए आप, ज़बरदस्त पब्लिक और ज़बरदस्त माहौल और बहुत ठंडा और फुल एसी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या पता, फुल एसी है। ओरिजिनल दिल्ली ये है भाई, मेट्रोज में घूमना एसी में घूमना है, मेट्रोज में क्या फुल एसी होता है। अब देख लो दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। ये देखिए गाइस मेट्रो स्टेशन कितना ज़बरदस्त है, जैसे किसी का एयरपोर्ट हो ना, अपना उदयपुर का जैसा एयरपोर्ट है ना वैसा यहाँ का मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक का। देख लीजिए आप, ज़बरदस्त पब्लिक और ज़बरदस्त माहौल और बहुत ठंडा और फुल एसी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या पता, फुल एसी है। दोस्तों दिल्ली का चांदनी चौक देख लीजिए, अभी अपन इसके अंदर गए थे, गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ पर अपन ने दर्शन किए, अंदर घूमे फिरे और ये देखो कड़ा लिया अपन ने ये वाला। और अब अपन चांदनी चौक में घूम रहे हैं, कुछ अपने को 2-3 काम है, अपने गोपरों की बैटरी लेनी है, कुछ और लेना है, तो देखते हैं क्या होता है। चांदनी चौक के नज़ारे देखो आप, चलो मिलते हैं आप। तो दुकानें बताते ना वो सब दुकानें बेकार है। मैं आपको जिस दुकान पे खड़ा हूँ ना, बहुत अच्छी दुकान है, दही बड़े और आलू टिक्की, इतने शानदार और टेस्ट इतना अच्छा और शुद्ध और शाकाहारी है यार। इतना फालतू का मतलब मसाला नहीं डला हुआ था, मुझे ऐसा लगा। ये शॉप है ना बहुत शानदार शॉप है, ये देखिए इस लोकेशन पर है, इधर सामने लाल किला, यहाँ से आप आएंगे ना यहाँ पर ये शॉप है। ये देखो भाई इन लाल किले पे आ गए अपन, ये आप सबका फेवरेट लाल किला, ज़बरदस्त लुक। पर ये लुक यही दिख रहा है, इसके अंदर का कुछ खास ऐसा नहीं है, जो है वो यही से इस दीवार का और इस लोकेशन का ही महत्व है बस, बाकी अंदर कुछ भी नहीं है इसके। देख लीजिए आप भी यहीं पे खड़े हो के सब फोटो खिंचाते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री साहब झंडा फहराते हैं ना यहीं पर फहराते हैं, ये जो जगह दिख रही है ना ये यहाँ पर फहराते हैं। गाइस अपन आ चुके हैं इंडिया गेट, ये देख लीजिए आप इंडिया गेट, ये रहा अपना इंडिया गेट। और ये इंडिया गेट के आसपास के नज़ारे ये देखिए, इंडिया गेट, इंडिया गेट, ये सुभाष चंद्र बोस की 3D प्रतिमा जो बनाई गई है ना वो वाली है, ये इंडिया गेट के नज़ारे देखिए आप।
गाइस देख लीजिए, इंडिया गेट आ चुके हैं अपन, हमारे हिंदुस्तान की शान इंडिया गेट। ज़बरदस्त लुक है, फोटोग्राफ में वीडियो में जो लुक आता है ना उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और शानदार जगह है भाई। और यहीं पास में आप देखेंगे ना सुभाष चंद्र बोस जी की जो 3D वाली जो मूर्ति बनाई गई है, उनकी स्टेचू बनाया गया 3D वाला, इसका कुछ है इसका सिस्टम, ये शायद नाइट में 3D वाला ऑन होता है ऐसा कुछ है। तो देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे नाइट व्यू दिखा सका तो ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको, और नहीं अभी इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा पाया तो वीडियो यूट्यूब पर वीडियो पे ज़रूर देखिएगा। शानदार जगह है यार, ये देखिए आप क्या नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे हैं, देखिए आप ज़बरदस्त। गाइज ये देखिए इंडिया गेट के चारों तरफ, ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ है यार, क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता हो तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। हाँ, इसके इंडिया गेट चारों तरफ लिखा हुआ है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश में पता नहीं कोई नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हैं, वो उस वाले पिलर पे भी हैं, उस तरफ वाले पिलर पे भी हैं, पर अब ये किन के नाम हैं और क्यों लिखे गए अपने को कोई आइडिया नहीं, पर वास्तव में भाई फोटोग्राफ और वीडियो से कहीं ज़्यादा अच्छा दिखता है। मुझे तो ये पहली दिल्ली की पहली ऐसी चीज़ है जो वास्तविकता में कैमरे में जो देखा उससे बहुत अच्छी लग रही है, बाकी तो जो भी चीज़ें मैंने देखी है ना दूसरे YouTube चैनलों पे देखा या कैमरों में देखा उससे घटिया ही गई है, पर यही है कि ऐसी चीज़ें जो कैमरों में देखा ना उससे बढ़िया लगी है मुझे, शानदार भाई, बहुत शानदार चीज़ है भाई, ज़बरदस्त। ये देखो जी ये एक और शानदार चीज़, बस यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ये इंडिया गेट और ये शानदार सा गार्डन बना हुआ है, बहुत सारी शायद और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, इससे तो बेटर था कि मैं अपने उदयपुर में रहता हूँ, दिल्ली आके क्या टाइम पास करा है। देखें आप ये गाइस, मैं आया हूँ वॉर मेमोरियल में और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे देश के जितने जवान शहीद हुए ना उनके याद में या उनको सम्मान देने के लिए स्तंभ बनाया गया है। सबसे बड़ी चीज़ क्या मैं बताऊँ, ये देख रहे हैं आप ये इस तरह के ये जो रैक बनी हुई है, इन रैक की क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इन रैक्स के ऊपर ऐसे स्ट्रैप बनाए गए हैं और इसके ऊपर इन मेरे देश के जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब के नाम लिखे गए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रैप बनी हुई पूरी है, ऐसे दीवार यहाँ बनी हुई है उधर, और ये पूरे इस ग्राउंड के चारों तरफ है। हाँ, ऐसे डबल डबल दीवार, मतलब एक दीवार आगे एक दीवार ऐसे पीछे, देखे मतलब आई थिंक मुझे लगता है लाखों की तादाद में लिखे हुए हैं नाम, देखिए अंदर बाहर सब तरफ। ये देखिए आप इस तरीके से लगाकर वो देखिए यहाँ से ये पूरा दे रखा है, ये आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर इनका नाम कभी सामने क्यों नहीं आता है। इन्होंने मेरे देश के लिए जान दी है, किसी के लिए जान देना बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, और ये वो मेरे भाई है जिन्होंने मेरे देश के लिए जान दी है, गर्व है मुझे मेरे भाइयों पे, जय हिंद मेरे भाइयों। ये देखिए दोस्तों अमर जवान ज्योत, ये देखिए अमर जवान ज्योत को कितना शानदार बना दिया गया अब, और सबसे बड़ा चीज़ वो देखिए एक जवान हमेशा उस पोजीशन में यहाँ पर खड़े रहते हैं, देखिए आप क्या शानदार जगह बनाई गई है। पहले अमर ज्योत एक इंडिया गेट पर था, इंडिया गेट के बीच में थी, वहाँ से भी ज्योत को यहाँ पर लाके ये पूरा पार्क अमर जवान या अमर ज्योति के लिए इस पूरे पार्क को पूरा डेवलप किया गया था, बाकी पहले इंडिया गेट के वहाँ बीच में थी ये ज्योति, और अब इस पूरे पार्क को बनाया गया मेरे जितने भी भाई देश के लिए शहीद हुए उन सभी की याद में। वो जो आपको मैंने नाम दिखाए थे ना वो देखिए, वो नाम चारों तरफ पूरा ही बना हुआ, लाइनिंग पूरी दो रो बनी हुई है, उनके आगे और पीछे सब मेरे भाइयों के नाम हैं, और इधर उनके याद में ये अमर ज्योति, देखिए घर होता है ये चीज़ें देखकर यार। दोस्तों ये देखिए सबसे शानदार जगह वीरता चक्र, आपको जितने भी ये जवान मेरे शहीद हुए हैं इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कुछ भी चाहिए ना उसके संबंधित शायद, और ये जो जितने भी भाई मेरे शहीद हुए उनकी रो मतलब उनके नाम के लिए वो जो बनाई गई इन तख्तियाँ आप देखें यार कितनी बनाई गई है, ये देखें आप
देख के आश्चर्य हो रहा है कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए। आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है राष्ट्रीय समर स्मारक ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। प्ले स्टोर पे ऐप का नाम याद रखिएगा राष्ट्रीय समर स्मारक। तो इस पूरे एरिया के संबंधित और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। अभी अपन इसके नीचे चल रहे हैं, यहाँ से यूँ पूरा राउंड कटाएंगे तो देख कर आते हैं क्या इसे। ये अंदर बता रखा है पूरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर हुई ना उसके बारे में बता रखा है। ये देखिए इस तरह की पूरी पिक्चर को बनाया गया है, मतलब इस तरह का पूरा विजुलाइजेशन या एक पेंटिंग कहें या जो भी कहें, और इसकी डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में नीचे लिखी गई है। इसी तरह से कुछ तीन चार जो वॉर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर हुई है ना उसके बारे में डिटेल बता रखी है, देख लीजिए आप। आगे चलते हैं अब अपन। ये देखिए ये अपने भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनमें से एक हैं। ये तीनों सेनाओं के अलग अलग चिन्ह, हर सेना को अपना अलग मोमेंटो जो कहते हैं ना वो बनाए गए ना वो है। और ये अपना हिंदुस्तान का चक्र, अशोक चक्र, हिंदुस्तान का चिन्ह जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र वो है, देख लीजिए। और ये अलग अलग सेनाओं के बनाए गए। गाइस अभी मैंने नामों का पता किया ना, अंदर आर्मी ऑफिसर थे उनसे पूछा, 26,500 के आसपास के समथिंग जवानों के नाम लिखे हुए हैं। अब देख लीजिए 26,000 मेरे ऐसे भाई हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। कितने गर्व की बात है यार, देखो देश के लिए या किसी के लिए भी हो ना, लोग अपनों के लिए तो जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपने देश के लोगों के लिए, देश के लोगों को अपना समझना और उनके लिए जान पर खेल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। हैट्स ऑफ है मेरे ऐसे भाइयों को और दिल से इनको सैल्यूट है यार, कसम से ये असली हीरो है मेरे देश के। तो गाइज अभी अपन यहाँ से आगे के जा रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपन अब इंडिया गेट से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं अपन होटल, क्योंकि बाइक वाले का अपने फ़ोन आ गया है। तो उन्होंने कहा सर एक बार आके अपनी बाइक को देख लीजिए क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो चलते हैं उसको देखते हैं क्या कंडीशन है, कुछ अच्छा किया बुरा किया क्या किया है। तो बने रहो आप भी हमारे साथ में इस दिल्ली, और आगे अपन कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपको आज के नहीं कल सुबह वाले ब्लॉग में बताऊँगा कि अपन दिल्ली से आगे कहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहना मेरे भाई, ऐसे ही अपन खूब इंजॉय भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, और आप भी बहुत सारा प्यार ऐसे ही देते रहो। तो चलिए मिलते हैं आगे, एक बार बाइक की क्या स्थिति देखता हूँ फिर बताता हूँ।